आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और कुकिंग भी कर रहे होंगे और घर के कामों में भी बिज़ी होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसे कहते हैं बटर स्कॉच पर अलाइन। ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, तो मैंने सोचा कि इसकी एग्जैक्ट आपको रेसिपी दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो 3 हैं। इसमें सबसे पहले शुगर, फिर नट्स। नट्स को मैंने, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर एलमंड लिए हैं। एलमंड को मैंने चॉप कर लिया, किसी भी चीज़ में डाल के आप उसको बेशक एक शॉपर में डाल के थोड़ा चूरा कर लें, या आप उसको किसी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लें। और ये मेरे पास है बटर। अब आते हैं इसको कैसे बनाएंगे, इसके मेथड पे तो चलें। इसका मेथड हम अब आपको बताते हैं। एक पैन रखा है, नॉनस्टिक पैन, या ले लें आप जो मर्ज़ी ले लें। इसमें मैं ये शुगर ऐड कर रहा हूँ। ऐड करेंगे तो इसके नीचे से जो स्टोव है वो मीडियम हीट पे रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये शुगर मेल्ट होना शुरू होगी। इसको तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखें। ये शुगर जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये सारी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गई है, भी अंदर थोड़ी थोड़ी है अभी। जब ये मेल्ट होती है तो फिर मैं इसमें बटर डालूंगी। सारा मेल्ट हो गया, अब इस पॉइंट पे मैं इसमें बटर ऐड करती हूँ। बटर मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें नट्स ऐड करती हूँ। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कैशू नट भी यूज़ कर सकते हैं, आप एलमंड भी, आप जो आपको पसंद है। अब इसको पकाएंगे, डालेंगे तो थिक हो जाएगा। फिर जब इसको इसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो ये फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। जब अब आपको ये फिर ज़्यादा बबल करता हुआ नज़र आना शुरू हो गया, तो ये अब इसमें से मुझे एलमंड के बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई, बड़ी अच्छी सी रोस्ट होने की जो है पूरे किचन में स्मेल फैल गई। अब मैं इसको आपको निकाल के डिश में दिखाती हूँ। ये एक मैंने नॉन स्टिक ट्रे ले ली और उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया। अब इसमें ये जो मेरे पास मैंने प्रालाइन बनाया है, तो इसको दो तरह से मैं आपको बताऊंगी। एक मैं पूरा शीट की शक्ल में और एक इस तरह छोटी छोटी कैंडीज की शक्ल में आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं कैंडीज की शक्ल में बना रही हूँ ताकि आप इसको इंजॉय कर सकें कैंडी की शक्ल में। ये देखें मैंने एक छोटे छोटे से इंडिविजुअल कैंडीज बना दी हैं और एक मैं आपको शीट की शक्ल में दिखा। मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया, उस पर मैं आप ये जो रिमेनिंग है ये सारा डाल दूंगी। इसको फैला देते हैं पतला से पतला से। देखिए अब ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये जो मेरी मैंने प्रालाइन कैंडी बनाई थी, ये देखें ये बिल्कुल मूव खुद ही कर रही हैं क्योंकि ये उसमें नॉन स्टिक के ऊपर थी। और ये देख अब मैं आपको दूसरा अपना प्रालाइन दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरा दूसरा प्रालाइन है, इसको हम थोड़ा सा नॉन स्टिक नहीं था तो इस तरह नीचे से दबाएंगे, नीचे से दबाएंगे तो ये सारा लैदा हो गया। ये अब इसको मैं तोड़ के आपको इसको प्रालाइन बना के इसको डिज़र्ट में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। मैंने एक ज़िप लॉक ले लिया, उसमें मैं इसके पीसेस डाल के आप इसको लॉक कर लें और किसी भी चीज़ से इसको इस तरह से प्रेस करके बारीक इसका प्रालाइन बना लें। अब आपको बैग मोटा लेना पड़ेगा, अगर आप बारीक बैग लेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए ये थोड़ा मोटा बैग लेके उससे ये इस तरह किसी भी भारी चीज़ से उसको क्रश कर लें। ये देखिए बहुत अच्छा सा क्रश हो गया, मैं अब आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा ये प्रालाइन तैयार हो गया। ये आप किसी भी डिज़र्ट में बड़े आराम से आइसक्रीम में आप यूज़ करें। अगर आप इसको मोटा रखना चाहते हैं मोटा रख लें, बिल्कुल बारीक करना चाहते हैं बारीक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये देखें ये कैंडी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है।
आप इसको आराम से, ये टूट रही है और आप आराम से खा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको इसकी क्रंचीनेस का पता चल रहा होगा। तो चलें, आज भी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, यानी बेल के आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करना नहीं भूलते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स लिखना मत भूला करें। कमेंट्स आपके जो होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों में कोई अगर आपको बात समझ नहीं आती तो वो आप उसमें लिख के सेंड कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी आपके पास नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।